क्या आज सैटरडे नाइट है? हाँ। लड़की होंगी लड़के होंगे दोनों। 2,80,000 की बाइक है ये। शिव जी योगी नहीं है, रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, तो मुझे लेनी चाहिए लेनी चाहिए। पर अजीबी टाइप का मंदिर है। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट व्लॉग। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं काठमांडू और हमें मिल गए हमारे जानने वाले। ये भाई साहब 3 दिन पहले आ चुके थे काठमांडू। मेरे तरीके से मैं आपको काठमांडू नेपाल घुमाने वाला हूं। पोखरा भी जाएंगे और जो भी एक्साइटेड चीजें रहेंगी सभी करने की कोशिश करेंगे। ये इनका फ्लैग है ब्लू और रेड और बीच में सूर्य और चंद्रमा बने हुए। गाइस फाइनली हमने अपना हॉस्टल ले लिया है, काफी अच्छा स्पेस है इसमें। तो भैया यहाँ पे 6 बेड है, एक नीचे ऊपर चंदन का है, उसके अलावा ये है पैन फ्रॉम इंग्लैंड। वैसे मुझे पसंद आया था उधर वाला, वहाँ पे बालकोनी थी। सैटरडे नाइट है तो रात को हमारी आज की जो काठमांडू की नाइट लाइफ रहने वाली है वो मजेदार होने वाली है। वो व्लॉग आपको अगला व्लॉग मिलेगा। नहा धो के निकलेंगे। ये हॉस्टल का नाम है वंडर थर्स्ट, बहुत ही अच्छा हॉस्टल है। और यहाँ पे कहते हैं कि लोकल नेपाली अलाउ नहीं है, सिर्फ फॉरनर्स अलाउ है। हम भी फॉरनर है भैया, बाहर से आए इंटरनेशनल। और अभी सफाई सफाई चल रही है यहाँ की, कल मैं यहाँ शिफ्ट कर जाऊंगा। वैसे थोड़ी देर में बस निकलेंगे। A few moments later. Finally, we are ready. और हम जा रहे हैं अब एक्सप्लोर करने काठमांडू को। ये हमारा हॉस्टल था जो मेरा पीछे देख रहे हो, ड्रोन शॉट पे आपने देख लिया होगा। काफी बढ़िया इसका एरिया यार, वहाँ नीचे बैठने का है, एक्टिविटी एरिया है। अब आपका भाई आपको दिखाएगा काठमांडू और काठमांडू के नजारे। सच बता रहा हूँ इतने ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। आपको एक्सप्लोर कराने लेके जा रहा हूँ यहाँ की कुछ मार्केट, कुछ जगहें। शाम को चलेंगे नाइट लाइफ के लिए, फटाफट चलते हैं, कुछ खाना है उसका निकलते हैं फटाफट। तो ये देखिए काफी अच्छा तरीके से बना हुआ है। ये कुछ सिटिंग एरिया है, नीचे गार्डन एरिया है, ये कुछ गेमिंग एरिया है। मजेदार है यार, ये कैफे रेस्टोरेंट जो भी कह लो, बार वगैरह, यहाँ आपको दारू के लिए हर जगह मिल जाएगा सिस्टम। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। बाकी आपको दिखाते हैं, लेके चल रहा हूँ। और बहुत सारी मज़ेदार जगह, छोटे छोटे कैफे बने हुए हैं, छोटी छोटी जगह है ऐसी खूबसूरत, देख के मजा आ जाएगा। यहाँ पे मौके पे चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे हर शॉप के ऊपर आपको यहाँ ड्रिंक के लिए, मतलब दारू अगर आप पीते हो तो भैया आपके लिए जन्नत है, मज़ा आने वाला है फुल ऑन। भैया हम नहीं पीते पर सिर्फ बता रहा हूँ, जो फीलिंग है वो नेक्स्ट लेवल। और यहाँ के जो यंगस्टर लड़के हैं मैं देख रहा हूँ भैया, बाइकर, मतलब यहाँ की जो बाइकें हैं स्पोर्ट्स बाइकें हैं, अलग ही लेवल की है। तो भैया फिनिश हो गया ये प्रोग्राम पूरा, ये कॉम्पिटिशन था। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, इतने प्यारे कैफे हैं। थामिल बाजार, ये एक्चुअली में ये पॉश एरिया कहते हैं आपको काठमांडू का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लब, सबसे ज़्यादा डिस्को, सबसे ज़्यादा नाइट लाइफ यहीं पर मनाई जाती है। चंदन से आप मिल चुके हो और यहाँ चंदन के साथ, चंदन की फ्रेंड है, क्या नाम है, अंजलि। ये लोग तो वापसी जाने वाले हैं। ऐसा है ना कि यहाँ पे थमेल में आप पाते हो ट्रैवल करने, तो यहाँ पे किसी भी लाइन में जाके, किसी भी लाइन में, जैसे ये गली होगी ना, वहाँ खड़े होकर क्या करना है, खड़े होके नहीं, हाँ बैठ के किसी भी कैफे में जाके बैठ के चाय एंजॉय करो, आपके साथ बहुत सारे ट्रैवल मिलेंगे। लड़की होंगी लड़के होंगे दोनों होंगे। तो रात को फिर वो क्लब डिस्को वगैरह सब जाएंगे। सबसे शनिवार है ना, शनिवार है, आज सैटरडे राइट है। और यहाँ आपको मारुति गाड़ी है, मतलब आपको इंडियन ब्रांड ही नजर आने वाले हैं। और ये मारुति की गाड़ी जो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 लाख की होगी, ये 16 लाख रुपए की है। ये बाइक यहाँ पे नेपाल में कितने की आती है पल्सर? 2,80,000 की बाइक है ये, जो हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से 90,000 रुपए की है शायद ना। ऑल ओवर जो आपको गाड़ियाँ दिख जाएंगी सारी इंडियन ब्रांड ही दिख जाएंगे यहाँ पे। रॉयल एनफील्ड भी चल रही है भैया। थैंक यू भैया। तो मैं अभी बैठा हूँ, बैठे से पहले भैया कह रहे बैठ जाओ, मैं कहा भैया कमाल हो गई यार। नहीं जब खाना खाता हूँ। हाँ नो प्रॉब्लम। बड़ा मजा आने वाला है, आपको भी सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। तो भाई सीख रहे हैं हिंदी, एक एक वर्ड अभी मैंने मुंह से निकल गया था, कुवारे भाई नोट कर रहे हैं। अच्छा कितनी एज अपनी, उम्र कितनी है? 31। 31 साल जी। शादी नहीं किया, शादी नहीं है। जिंदगी मजे लिए? बहुत मजा किया। धर्म का जिंदगी है, धर्म का जिंदगी है ये। धर्म कब अपनाया, ये सब चीजें कब अपनाई है? क्या आपका सवाल क्या था? ये जो धर्म का अपनाया रास्ता, जी कब अपनाया? 13 साल पहले से। 13 साल पहले जी, मतलब तुम 18 साल के थे? तो 13 साल पहले से मैंने धर्म का रास्ता शुरू किया। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कोई सपन था साथ में, सपना था। तो मतलब जब सोता हूँ सपना था मुझे, सन्यासी रास्ता। अच्छा तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रही? अब नहीं है। पहले से पूछा था कुवारे के बारे में। हाँ। और कुवारे और ब्रह्मचार्य अलग है, क्योंकि
ब्रह्मचर्य के मतलब नहीं है, कुछ लोग गर्लफ्रेंड के बिना कर सकते हैं ये बहुत अच्छा, और कुछ लोग शादी कर सकते हैं ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि शिव जी शादी किया, शिव जी पार्वती और शिव जी बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं। ये योगा सूत्र है पतंजलि का, तो आप कहते हैं शिव जी योगी नहीं है। तो जब 13 साल पहले सपना आया, ख्वाब आया जी, तो क्या कहा, इंडिया जाओ? पहले से चाइना, पहला चाइना, चाइना में चाइनीज योगा सीखा था, चाइनीज कुंग फू मार्शल आर्ट। कितने साल रहे चाइना में? 2 साल लगभग, और चाइना के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद इंडिया, परमानेंट पूरी सारी जीवन इधर रहूंगा जी जी, इस तरह के ध्यान ध्यान का रास्ता। और आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो भैया नेपाल पुलिस वालों के पास ना स्कॉर्पियो है, हमारे इंडिया वाली, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ एक्सप्लोर करते वक्त, आज के बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या यहाँ का मौसम बहुत बढ़िया है। इस वक्त जो है मार्च का महीना है, और टेम्परेचर जो रहता है रात के वक्त ठंडा हो जाता है, और दिन के वक्त यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। देखो अभी यहाँ से हम सिम बाय करेंगे, सिम वैसे कहते हैं 100 रुपये की सिम है, उसको रिचार्ज विचार्ज करना पड़ेगा, ये वो सिस्टम रहता है जो आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले हम लोग यूज़ करते थे, पैक डलवाने पड़ते हैं रिचार्ज के, कॉलिंग के। और कुछ इस तरह की बाइकें चलती हैं यहाँ पे, ये स्पोर्ट्स बाइक है, जट पब जोत ने भी यहीं से लेके गया था। यहाँ पे आपको जगह जगह स्पा मसाज पार्लर मिल जाएंगे इंजॉय करने के लिए। हम जहाँ पे हैं वो है थंबनेल, और एक थंबनेल नहीं थामेल जो कि यहाँ का पॉश एरिया भी कहते हैं और यहाँ का रेड लाइट एरिया भी कहते हैं। आपको वो क्या होगा वो मुझे अपनी सुनने में आया है, वो रात को देखेंगे और दिखाएंगे आपको, रात तक वेट करना पड़ेगा आपको। फिलहाल तो हम आपको यहाँ की लोकल गलियाँ, खूबसूरत घर और कुछ इस तरह के नज़ारे दिखा रहे हैं आपको। अंकल जी की ये टोपी बहुत प्यारी लग रही है, कमेंट करना है, ये टोपी मैं ज़रूर लूँगा और पहनूंगा भी ज़रूर। अंकल जी इस पे क्या ढोते हो, सामान ढोते हैं? तो आप क्या सामान, मतलब जो दुकानदार वगैरह कुछ बोलते हैं वो सामान लेके जाते हैं? देख रहे हैं अंकल कहीं से लग रहे हैं कि ये रिक्शा में सामान, टिप टॉप लग रहे हैं, जेंटलमैन लग रहे हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो भैया हम अंदर अंदर से निकलते हुए जा रहे थे, ये अथेंटिक कोई जगह है, यहाँ पे आपको इस तरह से कपड़े वगैरह मिल रहे हैं यार। तो भैया आप जब आएँ तो डेफिनेटली यहाँ पर विजिट जरूर कर लेना, सस्ता सामान मिल जाए शायद। बहुत ही मज़ेदार ये स्ट्रीट है, पूरी स्ट्रीट आगे ना शॉपिंग के लिए, तो भैया बहुत ही मस्त। पर यहाँ पे आपको दुनिया भर के कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारा माल जो है चाइना से आता है, तो इसलिए यहाँ पे कहूँ तो फैशन सेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं आपको इंडिया से आता है, मैंने बोलने था चाइना से आता है भाई भाई कुछ इंडिया से भी आता है कुछ चाइना से भी आता है, तो मतलब ये है कि फैशन सेंस बहुत बढ़िया है यहाँ के लोगों का, आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये कपड़े वपड़े देखो, जैकेट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, पर बात नहीं करनी पड़ेगी जो भी कह लो। अच्छा यार देखते हैं कुछ अपने लिए मिलता है तो हम भी लेते हैं यार, एक से बढ़कर एक चीज़ें मिल रही हैं, पर प्राइसिंग को देख लेना, प्राइसिंग थोड़ा सा ये देख, ये एक अच्छी लग रही है, 7A कॉपी है, पर यार क्वालिटी जो है एक नंबर है, चीज़ें की मस्त है। बहुत ही खूबसूरत पुराना मंदिर है ये, सारी ड्राई मछली है, ये भी मछली है, नहीं नहीं कुछ और है यार, क्या ये मांस? यहाँ बीचों बीच फिर मंदिर नज़र आ गए, मंदिर की जो खूबसूरती है नेक्स्ट लेवल है। ये किसका मंदिर है? अन्नपूर्णा का। कितना पुराना होगा ये? 1800 सेंचुरी का है। ये तो बना हुआ है चाइनीज स्टाइल का बना हुआ ना? नहीं। ये जैपनीज चाइनीज स्टाइल का तो है, नेपाली, ये नेपाली स्टाइल है। वो गणेश जी का मंदिर है। आपको इस तरह के खूबसूरत मंदिर आपको जगह जगह नजर आ जाएंगे, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है सच में एक्सप्लोर करने में इस मार्केट को। सो गाइस देखो वहां से घूमते हुए आगे आ गए, और यहाँ की जो मार्केट है यार बहुत ज्यादा क्राउडेड है, और ये लोकल मार्केट है यहाँ की, तो यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह या बर्तन वगैरह मतलब डेली लाइफ का सामान दुनिया भर का मिलता है, और दुनिया भर की भीड़ है, और बहुत हेरिटेज टाइप की ये गली है, पुराने पुराने घर हैं, खूबसूरत खूबसूरत दुकानें हैं पुरानी पुरानी, और मज़ा आ रहा है एक्सप्लोर करने में। आप देखिए नेपाल अगर आपका आना हो डेफिनेटली यहाँ आना, नहीं आना हो तो भैया हमारे ब्लॉग के थ्रू थैंक यू जरूर बोल देना कमेंट पे। काफ़ी लोगों को ये पहने हुए देखा, तो भैया शॉप पे नज़र आ गई है टोपी की, ट्राई करते हैं अगर समझ आती है तो लेंगे, और भैया मेरे को टोपी बना रहे हैं। मेरा सर बहुत बड़ा है, नहीं सर बड़ा है इसीलिए बड़ा लेके आए हैं, नेपाली स्टाइल है, ये से डाउन जाएगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो भैया क्या कॉस्ट रहती है इस टोपी की? 350 रुपीज़ जाता है। फ़ोन में देखना पड़ेगा, कैमरे में स्क्रीन बहुत छोटी है, पता नहीं चल रहा है कैसी है, कमेंट में करके बताना जरूर, तो मुझे लेनी चाहिए लेनी चाहिए। ये मंदिर प्राइवेट है? प्राइवेट, मतलब 400-450 साल पुराना है। भैया यहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो नेपाल को काठमांडू को हेरिटेज सिटी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर की पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, और ऑल ओवर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई जगह को नहीं, ऑल ओवर आपको पूरे ही जो काठमांडू एरिया है उसको हेरिटेज साइट घोषित करा गया है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो दिख रही है, इसलिए थोड़ी मेंटेन नहीं है, पर जो खूबसूरती है नेक्स्ट लेवल है। अराउंड 450-450 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है। कुछ इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे घर मंदिर प्रॉपर्टीज आपको जगह जगह दिख जाएंगी। तो हम जा रहे हैं दरबार स्क्वायर, जो कि हमारे यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है। अगर आपको घर के लिए ऐसी कलेक्शन पसंद है तो भाई इससे बढ़िया
शॉप दिखने वाली नहीं है, मुझे आज तक मैंने कहीं देखी नहीं है ऐसी शॉप, सर बता रहा हूँ। देखना कितने खूबसूरत खूबसूरत बने हुए हैं स्ट्रक्चर। भाई साहब देखो क्या ही रेंज है यार, काफ़ी एंटीक आइटम रखी हुई है आपने घर के लिए। अगर आपको ऐसी कलेक्शन चाहिए तो भैया नेपाल में इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी। कठपुतली है, कठपुतली, दिल खुश हो गया। हम निकल के जा रहे हैं, अभी एक और मंदिर नज़र आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा अंदर होके आते हैं, देख के आते हैं। और ये देखो तुम बने हुए हैं, फटाफट चलते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, ऐसे ही नहीं इसको हेरिटेज कहा जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना मुझे, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखो, ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटी। आर्किटेक्चर देखने में पता चलता है कि बहुत ही पुराना है। देखो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मंदिर किसका है? मच्छिंद्रनाथ। वो कौन है? गुरु है। ये तो सिर्फ लकड़ी का जो स्ट्रक्चर का जो काम हो रखा है ना, यही मेरे ख्याल से लाखों की होगी यार। क्या ही कारीगरी कर रखी। नाम हिंदुस्तान है पर हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। पर जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त काठमांडू, ये एक्चुअल में हिंदू राष्ट्र है। यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 3 करोड़ की है। 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदू राष्ट्र है, यानी हिंदू धर्म को मानती है, और कुछ मिक्स हैं। लगभग 130 लैंग्वेज यहाँ बोली जाती हैं। अगर इस तरह की जगह पसंद है तो आपका एक बार आना बनता है, और नहीं आ सकते तो भाई आप अपने भाई को याद कर लेना। कमेंट जरूर करना कि आपने मेरी वीडियो के थ्रू क्या चीज़ अच्छी लगी, और लाइक जरूर मार देना। क्या ही खूबसूरत ड्रैगन गेम है। और ये देखो कारीगरी यार, देख रहे हो ये बीच में जो बना हुआ है भगवानों का, एक पानी बेच रहे हो। ये बताया जा रहा है यहाँ के जो विद्वान लोग थे उनकी मूर्तियाँ लगाई गई है। तो भाई से बात कर रहा था, कुछ अजीब सी बात पता चली कि यहाँ पे जो टाइम टेबल शेड्यूल चलता है वो इनके गत्ते के हिसाब से चलता है। गत्ते के हिसाब से टाइम डिफरेंस यहाँ पे जो काउंट किया जाता है वो हिमालय के हिसाब से किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाई जाती है, क्योंकि हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। पर ये जो नेपाल है पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कि आज तक किसी का गुलाम ही नहीं बना। और उसके कारण क्या है कि यहाँ पे कोई इनका कोई ऐसा दिन ही नहीं है जो रिपब्लिक डे या आज़ादी डे ऐसा कोई मनाया जाए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा यहाँ के लोकल लोगों के पास, क्योंकि पब्लिक के पास आप नोटिस करोगे यहाँ पे सारा सामान इंडिया से ऑलमोस्ट आता है, और 200% का टैक्स है। ये जो व्हीकल वगैरह हमारे वहाँ जो 1 लाख की चीज़ है वो यहाँ पे आपको 3-3.5 लाख की मिलने वाली है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों के पास एक से बढ़कर एक बाइकें हैं, एक से बढ़कर एक गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया। पता नहीं यहाँ के लोकल लोगों, मैंने देखा है कोरोना तो चल गया, पता नहीं मास्क लगा के रखा हुआ है। देखो यहाँ इस तरह की बाइकें ज़्यादा चलती हैं। घूमते घूमते एक और खूबसूरत मंदिर, और ये पूरा पत्थर का बना हुआ है यार, महादेव मंदिर लिखा हुआ है पर फिलहाल बंद है। और उसके साथ एक और मंदिर और आगे भी कुछ है, महादेव का मंदिर है, और ये भी मंदिर महादेव का। जो मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, रात को यहाँ हो जाएगी ठंड। यहाँ छोटा बच्चा भी हेलमेट लगा रहा है, देखो कितने अच्छे लोग हैं। हेलमेट यहाँ पे अलाउ है या इसने अपने शौक से पहन रखा है? शौक से पहन रखा है, देखो कितना जिम्मेदार नागरिक है। पर अजीब ही टाइप का मंदिर है कि नीचे मार्केट है ऊपर मंदिर है, पर जो भी कह लो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। मार्केट को एक्सप्लोर करने का मजा पैदल ही है, एक एक नुक्कड़ एक एक दुकानें, घूमने का मजा कुछ और है। गणेश जी का देखो पूरा अल्मीनियम का इतना बढ़िया खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, मतलब यहाँ घूमने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है। इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा तो भैया प्लीज कमेंट जरूर करना क्या चीज़ अच्छी लगी, और कुछ पूछना है तो वही बात कर सकते हो मेरे से।